हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल एंड गाइस ट्वेने के एपिसोड नंबर 358 में आप सभी का स्वागत है। ये आपके गरमागरम क्वेश्चंस का गरमागरम रिप्लाई देने वाला हूं बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप लोग के एक चीज जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हमारा क्वेश्चन नहीं लिए कहां पर क्वेश्चन करना है, मतलब क्या कुछ यहां पर लगाना है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं वेडनेसडे या थर्सडे के दिन यहां पर एक जो कम्युनिटी पोस्ट करता हूं वहां पर आपको सिंपली जो हैशटैग #askty लगा के अपना क्वेश्चन डाल देना है। मोस्टली 99% जो हैशटैग #askty के साथ में क्वेश्चन आते हैं कम्युनिटी पोस्ट पे, तो मैं उसमें से यहां पर सारे क्वेश्चन को ही पिक करता हूं। अगर आपको नेक्स्ट Q&A वीडियो के लिए कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो जो वेडनेसडे थर्सडे वाले दिन में यहां पर मैं कम्युनिटी पोस्ट करता हूं सिंपली वहां पर #askty लगा के जो आपको पूछना है वो पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट संडे की Q&A वीडियो में आपका आंसर करने की कोशिश करूंगा। चलिए ये संडे का यहां पर सारे आंसर दे देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर पूछते हैं गेमिंग आकाश, ये बोलते हैं क्या Realme Narzo 70 Pro 8/256GB अच्छी डील है 16,500 रुपए में? यस भाई बहुत ही बढ़िया है, मतलब वो प्राइस पॉइंट पर बढ़िया ऑलराउंडर है, वो भी 256GB के साथ में बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछ रहे हैं माइनक्राफ्ट, ये बोलते हैं यासर भाई कैसे और घर में सब ठीक ठाक है? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, घर में भी बहुत ही बढ़िया है, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। मेरे यासिर भाई आपका पर्सनल फ़ोन कौन सा है? तो मैं फ़ोन मतलब चेंज करते रहता हूँ लेकिन जो पर्सनल है जो कि मैं मेन सिम डला हुआ है वो है रियलमी GT न्यू 3T स्मार्टफोन। मुझे पर्सनली ये स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया लगता है, इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। वैसे इसके अलावा भी बहुत सारे स्मार्टफोन मेरे पास में है बट पर्सनल फ़ोन मैं अभी फ़िलहाल यही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये पूछ रहे हैं रियलमी GT 60 फ़ोन पर ऑफलाइन में COD का डिस्काउंट मिलता है क्या भाई? तो देखो ऑफलाइन जो ऑनलाइन में आपको जो COD वाला ऑफर है बेसिकली 31,000 रुपीज़ का है, ऑफलाइन में आपको उसके आसपास ही देखने को मिलेगा। ऑनलाइन में आपको हमेशा जो है ज़्यादा ऑफर देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं मुस्तफ़ा हाशमी, ये बोलते हैं सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम, ये बोलते हैं भाई जैसे ऑनर 200 का प्राइस कट डाउन हुआ है ऐसे ऑनर 200 प्रो का प्राइस पॉइंट कब मतलब कट डाउन कब होगा? तो मेरे हिसाब से तो यही सेल में यहाँ पर इन लोगों को कर देना चाहिए था, अभी जल्दी तो मुझे कट डाउन होते हुए नहीं दिख रहा है। मे बी आपको न्यू ईयर का सेल आएगा या क्रिसमस सेल आएगा तब आपको प्राइस ड्रॉप होते हुए दिख सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे हैं अमन तिहारे, ये बोलते हैं भाई बेस्ट मोबाइल अंडर 30K, तो अगर आपको कैमरा प्रोसेसर डिज़ाइन डिस्प्ले बैटरी लाइफ फास्ट चार्जिंग IP रेटिंग सारी चीज़ें चाहिए तो मैं बोलूँगा वीवो T3 अल्ट्रा स्मार्टफोन के साथ में जाओ, 30,000 रुपीज़ की रेट में काफ़ी सॉलिड ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं रॉबिन जंगलन, ये बोलते हैं भाई मुझे ऑनर 200 लेना है बट बोल रहे हैं कि इसमें जियो 5G सिम नहीं चल रहा है और फिर से 22,000 रुपये में मिलेगा क्या? तो फिर से 22,000 रुपये में डेफिनेटली आपको मिल सकता है लेकिन 1 से 1.5 महीने का मेरे हिसाब से वेट करना पड़ सकता है। अगर हाँ वही सेम डील आती है तो मैं डेफिनेटली आपको अपडेट कर दूंगा। एंड जियो सिम चलता है नहीं चलता है मैंने चेकआउट नहीं करा, मेरे फ्रेंड के पास में है लेकिन वो एयरटेल यूज़र है तो मतलब उसको भी पता नहीं है। तो जो लोग यूज़ करें भाई अगर आप ऑनर का फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो जियो सिम के साथ में करो, बराबर से नेटवर्क है नहीं है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे हैं लॉर्ड किंग 007, ये बोलते हैं OnePlus 13R इंडिया में कब लॉन्च होगा, प्रोसेसर कौन सा होगा? तो OnePlus 13R आपको नेक्स्ट ईयर मतलब जनवरी के मिड में इंडियन मार्केट में लॉन्च होते हुए दिख सकते हैं एंड प्रोसेसर 90% कंफर्म है कि आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ में ही देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं नॉर्मल बॉय, ये बोलते हैं भाई आप कैसे हो, आप बेस्ट डील बोलते हो हमेशा उसके लिए थैंक्स, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। एंड मेरा काम यही रहता है कि आप लोगों को हेल्प कर पाओ कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसे बचा पाए एंड अच्छा स्मार्टफोन परचेस कर पाए। इसलिए अगर आप देखोगे मैं मोस्टली छोटी भी डील आती है या 2-3 हज़ार रुपये का भी डिस्काउंट मिलता है तो मैं यहाँ पर अपडेट आप लोग को कर देता हूँ, तो अगर उससे आप लोग को हेल्प मिलती है तो मेरे लिए उससे बेटर कुछ भी नहीं है। तो यही चीज़ है कि मैं यहाँ पर डील्स की ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछे राउडी राठौड़, ये बोलते हैं सर फ्लिपकार्ट अपकमिंग बिग सेल कब आएगा एंड वीवो T3 अल्ट्रा 25,000 रुपीज़ में मिल सकता है क्या? तो फ्लिपकार्ट अपकमिंग सेल तो अभी आपको अभी देखोगे यहाँ पर जो है स्मार्टफोन फेस्ट सेल करके चल रहा है, देन बिग सेविंग डे सेल, छोटे मोटे सेल तो चलते रहेंगे लेकिन जो बड़ा वाला सेल है ये आपको जो है ब्लैक फ्राइडे का सेल मेरे हिसाब से नवंबर की लास्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है, देन उसके बाद में सीधा आपको क्रिसमस या आप कह सकते हो ईयर एंड सेल जो है उसमें आपको तगड़े लेवल का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ब्रांड्स वाले जो साल का जितना भी स्टॉक बच जाता है लास्ट में खाली करने को जाते हैं तो वहाँ पर आपको बढ़िया वाला डिस्काउंट मिल सकता है। तो 1 से 1.5 महीने का मैं बोलूँगा वेट करो अगर आपने बढ़िया डील
डील को मिस कर दिए थे तो, एंड वीवो T3 अल्ट्रा 25,000 रुपये में आना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज अभी वो स्मार्टफोन 30,000 रुपीज़ में बहुत ही बढ़िया सेल हो रहा है, तो मेरे हिसाब से 25,000 रुपीज़ में आ सकता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च तक के आपको वेट करना पड़ सकता है। अगर डील बढ़िया वाली आती है तो डेफिनेटली मैं आपको अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं कुकिंग इज लव, ये बोलते हैं रेडमी नोट 14 प्रो इंडिया लॉन्च कब होगा, प्राइस क्या रहेगी, प्लीज़ आंसर। तो जो रेडमी नोट 14 प्रो या आप कह सकते हो 14 सीरीज है, बेसिकली आपको जनवरी के मंथ में बताया जा रहा है, जनवरी की फर्स्ट वीक में आपको लॉन्च होते हुए दिख सकता है रेडमी 14, 14 प्रो एंड 14 प्रो प्लस, एंड प्राइस पॉइंट क्या रहेगी, तो 14 प्रो आप एक्सपेक्ट करो अराउंड 25,000 रुपीज़ के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। सो गाइस ये ओवरऑल यहाँ पर आपने कुछ बढ़िया से क्वेश्चन पूछे थे, आई होप सो कि मैंने बराबर से रिप्लाई कर दिया हो, कोई क्वेश्चन छूट गया, कोई क्वेश्चन रह गया, कोई क्वेश्चन अभी के अभी अगर आपके माइंड में है तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। होप होगी एंड गज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आप तक अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।